तो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है ना? आज दो T10 मैच कवर किया था और दोनों मैचेस में अल्ट्रा जैकपॉट क्लीन स्वीप करवाया। तो ये होता है भाई हमारा प्रेडिक्शन। जैसा जैसा मैं वीडियो के अंदर बताता हूँ, मैच में बिल्कुल वैसा ही होता है। और इसलिए हम हर एक T10 मैचेस में अप टू मिनी जेल तक क्लीन स्वीप कर रहे हैं। और फिर से मैं आ गया और एक T10 मैच लेके, जो कि खेला जाएगा आज रात 9 बजे। और अगर आपको आज का इस मैच से भी ढेर सारा पैसा छपना है, तो मैच स्टार्ट होने से 30 मिनट पहले आपको एक्टिव रहना पड़ेगा हमारा स्मार्ट फैंटासी टेलीग्राम चैनल पर। बट अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो कैसे यहाँ पर एक्टिव रहोगे? बट कोई बात नहीं, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद सीधा चला जाना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग की लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, ज्वाइन रिक्वेस्ट का बटन आएगा, उसमें क्लिक करते सीधा आप हमारा साथ टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओगे। और मैच शुरू होने से 30 मिनट पहले आपको यहाँ पर एक्टिव रहना पड़ेगा। चलो अब हम मैच प्रेडिक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट में आप लोगों को कवर करके दूंगा। अगर आपको जीएल मिनी जीएल उन करना है ना भाई, तो इससे बेस्ट वीडियो, इससे बेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको और कहीं पर नहीं मिलेगा। ओके, अभी तक इस ग्राउंड पे T10 की अगर हम एवरेज स्कोर बात करें, 129 है। अब T10 मैच में अगर 120 प्लस ऑन एन एवरेज स्कोर बन रहे हैं ना, तो इसको हम एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड बोल सकते हैं। और जिस जिस ग्राउंड पे हाई स्कोरिंग मैच होता है, उसके आधार अगर हम अपना कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो हमें ज़्यादातर बैट्समैन एंड टॉप ऑर्डर की ऑलराउंडर पर फोकस करना पड़ेगा। बस दो सिलेक्टेड बॉलर पिक कर लो, अपना काम खत्म करो, ठीक है? ऐसा ही कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फास्ट इनिंग का भी एवरेज स्कोर दोस्तों उतना ही है। तो चलो, इससे तो आप लोगों को पता चल गया कि एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। लोएस्ट स्कोर यहाँ पर बना था 64, ठीक है? तो नंबर वन देके आप नोट कर लो, ये एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। अब चलो लास्ट तीन मैच का डाटा मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ZW ने बनाया था 45, मैच 6 ओवर में चेज हो गया था। LJU ने बनाया था 90, ये मैच चेज नहीं हो पाया था। ZAS ने बनाया था 78 और ये मैच भी चेज नहीं हुआ था, ठीक है? तो रिसेंटली तीन मैचेस में कम कम स्कोर बना है। बट इतना माइंड में रखना कि यहाँ पर हाई स्कोरिंग गेम होने का पूरा चांस है। तो हम हाई स्कोरिंग के अकॉर्डिंग ही अपना कॉम्बिनेशन बनाएंगे। आगे जाके मैं बताऊंगा कि कौन सा बैट्समैन, कौन सा विकेट कीपर, कौन सा ऑलराउंडर, कौन सा बॉलर सबको पिक करना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा भाई। थोड़ा पेशेंस के साथ वीडियो देखो, मज़ा आ जाएगा। अगर हम चेक करें ZGS टीम की लास्ट दो मैचेस की डाटा, तो आप लोग देख सकते हैं इसने बनाया था 99, ठीक है? और मैच हार गया था। फिर दोस्तों इस वाला मैच में बनाया था 70 रन, मैच को चेज कर लिया था। तो आप लोग देख सकते हो ZGS का जो टीम है, आराम से 100+ स्कोर जोड़ सकते हैं। और अगर इनके खिलाफ दूसरा टीम 80-90 रन जोड़ेगा, तो उसको ये आराम से चेज भी कर सकते हैं। मतलब ये पहले बैटिंग करेगा तो 100+ इसको जाएगा, इतना आप लोग समझ लो। तो ये नोट करके रख लो कि ZGS के टीम अगर फास्ट बैटिंग करेगा तो 100+ स्कोर जाएगा, और दूसरा टीम अगर 80-90 स्कोर बनाएगा तो ये टीम जीतेगा, चेज करेगा। क्लियर? अब हम चेक करेंगे दोनों टीम्स की प्रॉबली प्लेइंग 11। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा हर एक प्लेयर्स की ऑल ओवर T10 करियर की स्टेट, जैसे कि इन्होंने कितना मैच खेला, कितना रन बनाया, कितना के एवरेज में रन बनाया, कितना विकेट निकल चुके हैं, रिसेंट मैचेस की बैटिंग एंड बॉलिंग की डाटा मैं आप लोग को बताऊंगा। और इसी से आप लोग को पता चलेगा आज इस प्लेयर को लेना है या ड्रॉप करना है। तो ध्यान से देखना भाई, एक एक प्लेयर्स का इन्फॉर्मेशन आपका गेम को बदल कर रख देगा, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। सबसे पहले आपको मिल जाएगा आज़ाद गुल, जिन्होंने अपना करियर में 20 मैचेस खेला, 320 रन बनाया, 32 कवरेज है, एक विकेट है इनका पूरा होल लाइफ में। मतलब ये बहुत ही, मतलब ना के बराबर बॉलिंग कर रहे हैं। चलो इसका बॉलिंग को मैं छोड़ दो आप। रिसेंटली बैटिंग करती है दोस्तों, 5 रन बनाया, 21 रन बनाया, 43 रन बनाया, 33 रन बनाया, 60 रन बनाया। अच्छा बैट्समैन है, इसलिए 32 का एवरेज है। तो हमें इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इस खिलाड़ी को तो हमें पिक करना ही है। फिर आपको मिल जाएगा राफिक जमान, जिन्होंने अपना करियर में 18 मैच खेला, 172 रन है, 11 का एवरेज है, 3 विकेट निकाल चुके। मतलब ये भी बॉलिंग का ना के बराबर आप लोग मान लो, बैटिंग से कुछ भी नहीं है। लास्ट 5 मैचेस में सिंगल डिजिट पे रन बनाया, ना ही इनका एवरेज उतना अच्छा है। तो
तो आप इस खिलाड़ी को ड्रॉप कर सकते हो। नाम है राफिक जामान, माइंड पे सेट कर लो इस चीज़ को। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा अतिकुर रहमान, अपना करियर में 44 मैचेस खेल लिया, 350 के आसपास रन है, 11 की एवरेज है, 11 विकेट निकल चुके हैं। रिसेंटली अब बॉलिंग से कुछ नहीं कर रहे, बट बैटिंग से आप लोग देख लो 68 है 30 है 38 है। एज ए बैट्समैन आप इसको पिक कर सकते हैं, बॉलिंग का उम्मीद इससे भी मत करिएगा, ठीक है। फिर आपको मिल जाएगा बिलाल, जिन्होंने अपना करियर में 17 मैचेस खेला, 198 के रन है, 19 का एवरेज। दोस्तों बैटिंग में सिर्फ एक मैच में अच्छा किया, बाकी सभी मैचेस में पूरी तरह से फेल रहा, तो मैं इस खिलाड़ी को ड्रॉप ही करूँगा। फिर आपको मिल जाएगा मोहम्मद इरफान, जिन्होंने अपना करियर में 17 मैचेस में 11 विकेट लिया है। रिसेंटली बॉलिंग का डाटा इनका देख लो, हर एक मैच में 2-2 विकेट करके निकल चुके, लगातार 4 मैचेस में 2-2 विकेट, तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट बॉलर होने वाला है। इस खिलाड़ी को तो हमें बिल्कुल ही नहीं ड्रॉप करना है, अपना टीम में शामिल करना ही पड़ेगा। फिर आपको मिल जाएगा मोहम्मद अरशद, इन्होंने अपना करियर में 12 मैचेस खेला, 40 का एवरेज है, 7 विकेट लिया है। बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से परफॉर्म कर रहे दोस्तों, आप चाहो तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर 20 रन बना देगा और एक विकेट ले लेगा ना, तो कैप्टन का काम कर जाएगा, तो ये एक कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा एस अफरीदी, इन्होंने अपना करियर में 4 मैचेस खेला, 21 का एवरेज है, और T20 करियर में दोस्तों अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने, और अभी T10 में बॉलिंग भी कर रहे हैं, बट बॉलिंग से उतना उम्मीद ना रखे तो अच्छा रहेगा, बट एक आध विकेट इनको मिल सकते हैं, टीम में रखना जरूरी है, ठीक है। एच बिलाल की अगर हम बात करें, 20 मैचेस में 15 विकेट, हर एक मैच में लगातार विकेट मिल रहे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पिक बन रहे हैं दोस्तों, इनको भी हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। रियाज खालिक की अगर हम बात करें, 22 मैचेस खेल कर 46 विकेट, कितना इंपॉर्टेंट पिक होने वाले आप समझ सकते हो। इस खिलाड़ी को आप चाहो तो GL में, स्मॉल लीग में भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। इनका सिलेक्शन मेरे हिसाब से थोड़ा तो हाई रहेगा, बट ये आपका ट्रॉम पिक का काम कर जाएगा, मिनी GL में इसको कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करें। फरीद गुलाम की अगर हम बात करें, 11 मैचेस में 11 विकेट है दोस्तों, जब जब इनको विकेट मिलता है 2 या 3, नहीं तो 0, तो आप इसको टीम में रखो, अगर विकेट मिलेगा ना 2-3 तो आपको वन साइडेड जिताएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना। फिर आपको मिल जाएगा एम साओ, इन्होंने 6 मैचेस में 7 विकेट लिया दोस्तों, रिसेंटली दोस्तों एक आध करके विकेट मिल रहे, तो एक इंपॉर्टेंट पिक बनने वाला है। ये था दोस्तों प्रीम हाइस्ट टीम की प्रॉब्ली प्लेइंग 11 एंड हर एक प्लेयर्स की जानकारी। अब हम चेक करेंगे डेथ ओवर में कौन कौन बॉलिंग करा सकते हैं। एक तो आर खालिक करा सकते हैं, ठीक है, एच बिलाल एंड एम इरफान, इसलिए ये तीन बॉलर्स को आपको पिक करके ही जाना है, क्योंकि तीन बॉलर्स अगर डेथ ओवर में जाएगा तो विकेट मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो डेथ ओवर्स की बॉलर्स को भाई हमें T10 के बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि T10 में सब हिटिंग के चक्कर में जाते हैं, जीरो वाला हीरो बन सकते हैं, हीरो वाला जीरो बन सकते हैं, ऐसा कुछ सीन होता है T10 में। ओके चलो अब हम दूसरा टीम का चेक करते हैं। सबसे पहले आपको मिल जाएगा एस अमीन, इनका रिसेंट फॉर्म आप लोग देख लो, 5 मैचेस में लगातार पूरी तरह से फेल्योर ला, 5 रन, 8 रन, 1 रन, 9 रन, 1 रन, ऐसा करके इनका स्कोर है। कभी कभार बॉलिंग कर लेते हैं दोस्तों, आप चाहो तो इनको आज एक ट्रॉम पिक बनाकर खेल सकते हैं, क्योंकि ओपनर बैट्समैन है, ओवर भी डर है, एंड इनका सिलेक्शन 6-7% ही मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा आपको, ठीक है। अब्दुल्ला सलीम, 10 मैचेस में 11 का एवरेज है, रिसेंटली दोस्तों थोड़ा टच में दिख रहे, 20 रन, 40 रन, 15 रन करके बना रहे, तो आप इसको अपना स्मॉल लीग टीम में शामिल कर सकते हो। बाबा रखा जो कि एक ऑलराउंडर है, 17 मैचेस में 31 का एवरेज है, 2 विकेट लिया है, रिसेंटली बैटिंग से 50 रन किया, 23 रन किया, 36 रन किया, बेस्ट बैट्समैन आप लोग मान के जा सकते हैं, और इनको भी अपना टीम में लेना जरूरी है। फिर आपको मिल जाएगा अहान फर्नांडेस, इन्होंने अपना करियर में 40 मैचेस खेला, ऑलमोस्ट 400 प्लस स्कोर है, एंड 18 की आभार है जो दोस्तों, बैटिंग से उतना टच में नहीं है, इससे पहले और एक T20 सीरीज खेला गया था, उसमें भी दोस्तों ये उतना फॉर्म में नहीं था, और T10 में आके भी दोस्तों इनका फॉर्म बहुत ही ख़राब हो चुका है, तो इसको हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा सरदार, 18 मैचेस में 16 की आभार है जो दोस्तों, उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, तो सीधा हम ड्रॉप कर देंगे। फैसल अफ्तल की अगर हम बात करें, 4 मैचेस में 4 विकेट, बट ये 4 विकेट इनको एक ही मैच में मिल गया था, बाकी 3 मैचेस में विकेट लेस रहा, मतलब ये भी गुच्छे में विकेट ले रहे, तो ऐसा खिलाड़ी को हमें जरूर पिक करना चाहिए, क्या पता है यार अनएक्सपेक्टेडली आज भी 3-4 विकेट ले ले, तब
हमें तो मतलब दिक्कत दे देगा, ठीक है, तो पिक करके जाना है। एम अली की अगर हम बात करें, 28 मैचेस खेला, 56 का एवरेज है दोस्तों, अच्छा बैटिंग के साथ बॉलिंग कर रहे हैं अभी, तो इसको भी हमें लेना पड़ेगा। मोहम्मद इस्माइल की अगर हम बात करें, 9 मैचेस में 10 विकेट दोस्तों, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, तो इसको भी हमें लेना पड़ेगा। फिर मोहम्मद अजहर की अगर हम बात करें, बेस्ट ऑलराउंडर आप लोग मान सकते हो, ये बैटिंग के साथ साथ दोस्तों बॉलिंग में भी आपको पॉइंट देगा, तो यहाँ से तीनों प्लेयर्स को आपको लेना पड़ेगा। फिर आपको मिल जाएगा ए शर्मा, 2 मैचेस में 8 विकेट निकाल चुके हैं और दोनों मैचेस में 4-4 विकेट मिला था इनको, तो T10 मैच में 4 विकेट निकाल लेना मतलब कितना बड़ी बात है, आप लोग समझ रहे हो। तो ऐसा खिलाड़ी को तो भाई छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, और GL में आज फिर से इनको आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा इरफान, इन्होंने 7 मैचेस में 7 विकेट लिया दोस्तों, और हर एक मैचेस में लगातार इनको विकेट मिला है, तो इसको भी हमें नहीं में आप लोगों को मिल जाएगा। एम अली, इरफान मिल जाएगा, मोहम्मद मिल जाएगा, अफ्तल मिल जाएगा और अमीन मिल जाएगा। ओवर दोस्तों मैं इधर डाल के रखा हूँ कि कौन कितना नंबर ओवर पे डालते हैं, ओपनिंग में दोस्तों कौन कौन डालेगा इधर मैं लिख के रखा हूँ। तो आप दोस्तों हो गया हमारा कंप्लीट मैच प्रेडिक्शन, हर एक प्लेयर्स की जानकारी आप लोगों को मिल गया है, कौन कितना नंबर ओवर में आ सकते वो मैं आप लोगों को बताया, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन देना है, कितना स्कोर बन सकते, सब कुछ मैं बताया। बाकी बचा है हमारा फैंटेसी टीम, जो कि मैं ऑलवेज आफ्टर टॉस लाइन अप आउट होने के बाद अपना टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ, इसलिए वीडियो की शुरुआत में मैं आप लोगों को बताया था कि मैच शुरू होने से 30 मिनट पहले आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव रहना चाहिए। तो आपने वीडियो देख लिया, अब चला जाओ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन की लिंक मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे ना, ज्वाइन रिक्वेस्ट का बटन आएगा उसमें क्लिक कर देना, सीधा आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाओगे। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।